वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पुलाव तड़के की ऐसी रेसिपी जो आज तक आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुलाव तड़का बनाना। तो कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक कड़छी भर के रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और उसी के अंदर मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसाले में मैंने डाला है गोल मिर्च, दो लौंग और तेज़पत्ता और ज़ीरा और दालचीनी। ये सबको मैंने तेल के अंदर अच्छे से भून लिया है और इसी के साथ मैं न्यूट्रेला को डाल दूंगी और न्यूट्रेला को भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मैंने न्यूट्रेला को बिल्कुल भी धोया नहीं है, बिल्कुल सूखा ही है। ड्राई न्यूट्रेला को मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। तो आप भी देखिए, इसी तरह ही हमको निकालना है। और निकालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे, मैंने दो प्याज ले लिए थे और उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था और उसको मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी। और कुकर के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर आलू। आलू को भी मैंने इसी तरह काट लिया था और आलू को भी इसके साथ ही मेरे को भूनना है। फ्रेंड, इसके अंदर खाली एक ही हमारा सीक्रेट है, जो कि जो भी हम कुछ डालेंगे, जैसे कि हमने प्याज डाला है, न्यूट्रेला डाला है और आगे मटर भी डालेंगे, लेकिन इनको अच्छे से फ्राई करना है। इसके अंदर पूरा कच्चापन निकाल देना है, तभी तो आपका पुलाव तड़के में टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने आलू को भी डाल दिया साथ में और जैसे जैसे अब प्याज लाल होगा, आलू भी लाल हो जाएगा। तो यहीं पे रोकते हुए मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक कटोरी भर के मटर है और मटर को भी इसी के साथ अच्छे से डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड, अब इन तीनों को अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन पुलाव बहुत ही बढ़िया बनेगा। आपको मन करेगा कि बार बार इसी तरह से पुलाव बनाएं। तो जी देखिए, फ्राई हो रहा है। तो इसी के बीच में अब हम इसको थोड़ा सा फिर से रोकते हैं और डाल देंगे जी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर इतना करारापन आएगा कि पुलाव के अंदर आप खुद ही देख लीजिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, इससे पहले मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची। ये तीन चार हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची को भी मैंने इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद कलर चेंज हो रहा है और लेकिन अभी और भी होगा। और इसी के साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को अब इसी के साथ भूनना है अच्छे से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से फ्राई करना है। और अब इसके साथ डाल दूंगी एक टमाटर है, मैंने उसको काट लिया था रफली, और इसको भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर और इसको फिर से भूनूंगी। और टमाटर का भी अच्छे से तेल को छोड़ना है। तो फाइनली सबको मैंने अच्छे से डाल दिया और सबका तेल अच्छे से छोड़ना है। तो अब इसी के साथ थोड़े से जाएंगे मसाले। तो मसालों में हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल हल्के हल्के मसाले, जिसमें हम सबसे पहले तो डालेंगे नमक। तो नमक डालने के बाद इसके साथ ही हम डाल देंगे फ्रेंड, नमक डाल दिया है। नमक अपना कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और जी इसके साथ डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालना है। और इसके साथ हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे, धनिया पाउडर से बहुत ही करारा होता है। तो देखिए फ्रेंड, धनिया पाउडर मैं करीबन एक चम्मच धनिया पाउडर की डाल रही हूँ। और इसी के साथ डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर के साथ थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला अगर घर का कूटा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार का भी डाल सकते हो, लेकिन गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी है। तो जी गरम मसाला डालने के साथ साथ अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे। तो अब चलाने के बाद फ्रेंड, थोड़ा सा देखिए अब तेल भी छूट गया है। तो अब हमको इधर क्या करना है, एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हमारा इस पुलाव के अंदर टेस्ट ला देगा, वो है हमारा अचार का तेल है। अचार का तेल मैं एक चम्मच डालूंगी, बस एक चम्मच, और बाकी एक चम्मच भर के इसी का जो मसाला होता है वो डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने बनाया होगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और जी देखिए, एक चम्मच भर के डाल दिया है मैंने अचार का मसाला। तो आप इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, आज से पहले आपने कभी अचार का तेल और मसाला डाल के आपने कभी वेज पुलाव बनाया है? अगर बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर नहीं बनाया तो आप बना के मुझे बताना। तो जी देखिए, अब इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावल मैंने डेढ़ ग्लास धो के इसको फुला दिया था, इसको आधा घंटे के लिए मैंने इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं इसके अंदर सारे चावल डालने के बाद अब मैं साथ ही में डाल देंगे न्यूट्रिला। तो न्यूट्रिला को मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिया था फ्रेंड्स। अब इनको सबको फिर से मिलाना है, और मिलाने के बाद अच्छे से आप पानी डाल दीजिएगा। पानी आपको क्या करना है, डेढ़ ग्लास अगर आपका चावल है तो आपको सिर्फ दो ग्लास पानी डालना है फ्रेंड्स, सिर्फ दो ग्लास, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, वरना चावल गीला हो जाएगा तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। और आगे क्या करना है, जैसे अब आप हमने इसको चला दिया, अब हम कुकर के ढक्कन को कर देंगे बंद और इसके अंदर दो सीटी दिलवा देंगे। और सीटी दिलवाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, उस दिलवाने के बाद सीधा उस सीटी को उतार देना है ताकि जो उसके अंदर भाप है वो पूरी निकल जाए। फ्रेंड्स इसी तरह बनाना है, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करके देखना, अगर स्किप कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। तो जी कुकर को कर दिया है मैंने बंद, तो जी अब मैं इसको दिलवाऊँगी सिर्फ दो सीटी। तो फिर दो सीटी दिलवाने के बाद मिलते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया, दो सीटी आने के बाद स्टीम को निकाल देना है, आप कुकर की सीटी को ही बाहर निकाल दीजिए। इससे चावल इतना खिला खिला बनेगा और इतनी खुशबू आएगी पूरे घर के अंदर कि आप खुद ही अंदाज़ लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंने दो सीटी के बाद कुकर तो खोल दिया और चावल एकदम खिला खिला बना है, लेकिन अभी और दिखाऊंगी आपको प्लेट में डालने के बाद। और अब मैं क्या करने वाली हूँ आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, मेन आपको अब दिखाया जाएगा। तो जी मैंने प्लेट रख दी है और अब इसके अंदर मैं डालूंगी चावल। चावल निकालने के बाद दिखाती हूँ आपको फ्रेंड मैं क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से जिसने, तो मैं प्लेट के अंदर डाल के एक बार आपको दिखाती हूँ और फिर उसके ऊपर से क्या डालना है फ्रेंड्स ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैंने एक बड़ी चम्मच मैंने दही ले लिया है और इसको अब मैं गैस के ऊपर अच्छे से गर्म करूँगी, और तब तक गर्म करना जब तक कि दही में तेल छूटना ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड ये जो तड़का बता रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी तड़का बनता है, आप पुलाव के ऊपर डालिएगा तो आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम से फिर बनाओगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाया हुआ कैसा लग रहा है। तो जी जैसे ही तेल छूटना शुरू हुआ, और साथ ही में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है रेड चिल्ली पाउडर, फिर से डाल दिया है रेड चिल्ली पाउडर, ज़्यादा तीखा नहीं है, देगी मिर्च है इसीलिए। और इस पुलाव के ऊपर मैंने ऊपर से डाल दिया है, और फ्रेंड्स इतना बढ़िया टेस्टी बना है, मैंने पहले खा के देखा हुआ है और बहुत ही कमेंट आए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको दोबारा से बना के दिखा दिया है फ्रेंड। और अगर बड़ा पसंद आ रहा है तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आप देखिए स्क्रीनशॉट्स।